हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, आज अपन करने जा रहे हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनीज कंप्लीट रिवीजन का पार्ट टू। उससे पहले आप लोग अपने अपने नोट्स निकाल लीजिए, ठीक है? और जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो लोड ना लो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि हम लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर नोट्स शेयर कर दूँगी, ठीक है ना। अब टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से जाओ और फटाफट से ज्वाइन कर लो। चलिए फटाफट से अपने अमलगमेशन ऑफ कंपनीज के नोट्स निकालते हैं और अमलगमेशन को भी आसान बनाते हैं। कंप्लीट रिवीजन पार्ट वन में हमने अमलगमेशन का ओवरव्यू और परचेस कंसीडरेशन देखा था। अच्छा हाँ, कंप्लीट रिवीजन प्लस आईसीआई मटेरियल सीरीज को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मतलब यार, इतने सारे लाइक्स, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आप लोगों ने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो प्लीज डू इट नाउ। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड द अदर वन इज परचेज मेथड। अब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कब लगाया जाएगा और परचेज मेथड कब लगाया जाएगा? तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड तब लगाया जाएगा जब अमलगमेशन कैसा हो, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और परचेज मेथड कब लगाया जाएगा? जब अमलगमेशन कैसा हो, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड जब मर्जर हो और परचेज मेथड जब परचेज हो। अब हमें ये पता लगाना है कि ये कैसा है, ये मर्जर है या परचेज है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस दे रखी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या माना जाएगा? मर्जर। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या माना जाएगा? परचेज। सिंपल है, एकदम आसान। अब इन कंडीशन को समझने से पहले थोड़ा सा बस मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगी पार्ट वन में हमने कुछ सीखा था। पार्ट वन में हमने सीखा था एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, याद है ना आपको? कैसे समझा था हमने कि ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसने या तो फ्रॉड किया है या बहुत सारे लॉसेस किए, जिसकी वजह से उसकी मार्केट में रेपुटेशन बिल्कुल कैसी हो गई है, एकदम ख़त्म सी हो गई है। अब उसकी मार्केट में रेपुटेशन तो हो गई है ख़राब, तो अब उसको क्या करे, कैसे अपना बिजनेस कंटिन्यू करे? तो उसके दिमाग में खुरापात आती है और वो क्या करता है, अपने आप को बंद कर देता है और एक नई कंपनी चालू करता है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? ए लिमिटेड की सारी एसेट्स होगी वो यहाँ चली जाएगी, सारी की सारी लाइबिलिटीज यहाँ चली जाएंगी, सेम बिजनेस वही चलेगा और सारे के सारे शेयर होल्डर्स भी चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? एसेट्स, लाइबिलिटीज, बिजनेस और शेयर होल्डर्स, सब के सब उसने क्या करे, ए लिमिटेड ने अपनी सारी की सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी बी लिमिटेड में और अपने आप को ख़त्म कर दिया और एक नया नाम ले लिया बी लिमिटेड। तो आप अगर ध्यान से देखो तो एसेट लाइबिलिटी सेम है, बिजनेस सेम है, शेयर होल्डर सेम है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ अलग है, वो क्या? नेम, नाम अलग है। पहले नाम ए लिमिटेड था जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन ख़राब हो गई है और अब नया नाम बन गया है बी लिमिटेड। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये आपको मैंने समझाया था। अब इससे हमें ये जो मर्जर की कंडीशंस हैं वो बहुत आसानी से समझ में आने वाली हैं। आगे बढ़े मर्जर पर। चलो, ये समझ में आ गया ना आपको कि सारी की सारी एसेट लाइबिलिटीज, सारे के सारे शेयर होल्डर्स और बिजनेस, सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में,
जैसे कि वो गाना है ना, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। तो यहाँ पर वो गाना एकदम सही सूट करता है कि ए लिमिटेड का जो है वो किसका बन जाएगा, बी लिमिटेड का, सिर्फ इसको छोड़ के, उसके नाम को छोड़ के। ठीक है, जो तेरा है वो मेरा। अब देखो कंडीशंस। कंडीशन नंबर वन, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर। सारी की सारी लाइबिलिटी, सारे के सारे एसेट्स चले जाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ जा रहा है तो रिजर्व्स भी चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आई। दूसरी, एट बुक वैल्यू ओनली। मुझे ये बताओ कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंसान और ये इंसान सेम ही तो है। ठीक है, तो एक दूसरे से परचेज थोड़ी कर रहे हैं कुछ। जब परचेज करेंगे तभी तो प्राइस एग्री करेंगे, है ना। एक दूसरे में एग्रीमेंट होता है, प्राइस होती है, एक दूसरे से प्राइस पक्का करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये सिर्फ यहाँ का सामान यहाँ ले जा रहा है बस। तो यहाँ पर क्या कोई अग्री प्राइस होगी? नहीं। यहाँ पर प्राइस कैसी रहेगी हमारी? वही बुक वैल्यू वाली। तो यहाँ पर कैसी रहेगी आपकी? बुक वैल्यू ओनली। ठीक है, जैसे एसेट्स लाइबिलिटीज यहाँ पर थे वैसे के वैसे वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, बात खत्म। थर्ड कंडीशन, सेम बिजनेस विल बी कैरीड ऑन। जो बिजनेस ए लिमिटेड में चल रहा था वही बिजनेस कहाँ चलेगा? बी लिमिटेड में। फोर्थ, एटलीस्ट 90% ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी रेडी टू बिकम शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी। तो 90% ऑफ शेयर होल्डर यहाँ के यहाँ पे चले जाने चाहिए। ठीक है, तभी तो मानेंगे मर्जर हुआ है, अदरवाइज कैसे मान लेंगे। अब 90% क्यों लिखा है, 100% क्यों नहीं लिखा? तो सिंपल सी बात है, 100% की तो कोई गारंटी होती नहीं है, हर कोई थोड़ी मान सकता है। हो सकता है कुछ लोग ना माने, इसलिए हमने उन्हें कहा रख दिया 10% में, जो कि ना माने कि हम इस कंपनी को बंद कर रहे हो और इसकी एक न्यू कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है कुछ शेयर होल्डर ना माने, तो उनको निपटा देंगे पैसे वैसे देके। बाकी के 90% जरूर आने चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर कैसे लगेगा। कंडीशन नंबर 5, कंसीडरेशन पेड इन शेयर्स एक्सेप्ट फ्रैक्शनल शेयर्स। क्या बोल रहे हैं? कंसीडरेशन किस में होना चाहिए? शेयर्स में। अगर कंसीडरेशन शेयर्स में होगा तभी तो वो लोग शेयर होल्डर बनेंगे, तभी तो ये वाली सेटिस्फाई होगी कंडीशन, तभी तो 90% शेयर होल्डर आएंगे। ठीक है, सो कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए? शेयर्स में। अब नेक्स्ट बात आती है एक्सेप्ट फ्रैक्शनल शेयर्स, इसका क्या मतलब है? तो उससे पहले फ्रैक्शनल शेयर्स समझा दूं मैं आपको। देखो फ्रैक्शनल शेयर्स क्या होता है, फ्रैक्शनल शेयर्स। अब देखो फ्रैक्शनल शेयर्स क्या होते हैं, जैसे ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड। ठीक है, इतनी देर से हम इसी की बात कर रहे हैं तो हर एग्जांपल इसी पर लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो ए लिमिटेड बी लिमिटेड में क्या तय हुआ कि कैसे हम पे करेंगे, पेमेंट कैसे होगा? 3:1 में। इट मीन्स कि ए लिमिटेड के 3 शेयर के बदले बी लिमिटेड के कितने शेयर मिलेंगे? 1 शेयर मिलेगा। ठीक है, अब सोचो ए लिमिटेड का कोई शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है, 1000 शेयर्स है, जिसके पास कितने शेयर्स है, 1000 शेयर्स है। तो मुझे ये बताओ जब वो ए लिमिटेड में था तो उसके पास कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स। अब वो बी लिमिटेड में आएगा तो उसके पास कितने शेयर्स आएंगे? मैं आपको कैलसीफाई कर देती हूँ फटाफट से, क्यों हम इतना टाइम वेस्ट करें। तो उसके पास 1000 शेयर थे और अगर हम उसे डिवाइड करें 3 से तो आ जाएगा 333.33। तो 333.33। अब मुझे भी बताओ ए लिमिटेड में जब वो था तो उसके पास कितने थे, 1000 शेयर्स। लेकिन जब वो बी लिमिटेड में जाएगा तो उसके कितने शेयर्स मिलेंगे उसको? तो उसको सिर्फ कितने मिलेंगे, 333 शेयर्स। इतने शेयर्स तो मिलेंगे। अब जो 0.33 है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल शेयर्स। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल शेयर्स।
तो अब इनको तो हम शेयर दे नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल शेयर्स को हम क्या देंगे, कैश दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गिचपिच हो गई है, अगर ये आपको समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, उस बंदे के पास कितने थे, 1000 शेयर्स थे ए लिमिटेड में। जब वो बी लिमिटेड में गया तो उसको कितने मिले, 300, उसको मिलने कितने चाहिए थे, 333.33 शेयर्स अकॉर्डिंग टू 3:1। ठीक है, लेकिन उसे कितने शेयर्स मिलेंगे, 333.33 शेयर कैसे मिल सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, 0.33 यानी कि जो फ्रैक्शनल शेयर्स हैं उनको हम क्या देंगे, कैश देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी थी कि कंसीडरेशन कैसे पे होना चाहिए, कंसीडरेशन पेड इन शेयर, कंसीडरेशन शेयर्स में ही जाने चाहिए, लेकिन किसको छोड़ के, फ्रैक्शनल शेयर्स को छोड़ के, क्योंकि फ्रैक्शनल शेयर्स को तो हम क्या देंगे, कैश देंगे, उसको शेयर्स तो दे नहीं सकते, 0.33 कैसे देंगे, समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद है आपको पांचों कंडीशन समझ में आई हो, फटाफट पांचों कंडीशन दोबारा देखते हैं। सारी की सारी एसेट गई, सारी की सारी लाइबिलिटीज गई, जब सब गया तो रिजर्व भी गया, कैसे गए, बुक वैल्यू पे, क्योंकि यहाँ पर हम कोई चीज़ परचेज थोड़ी कर रहे हैं, जो अग्रीड प्राइस होगी, यहाँ पर कैसे जा रहे हैं, बुक प्राइस पे, बुक वैल्यू पे। बिजनेस सेम वैसा ही कंटिन्यू होगा, जैसा वहाँ चल रहा था वैसा ही यहाँ होगा। शेयर होल्डर्स कितने मानने चाहिए, कम से कम 90%, एटलीस्ट 90% ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी रेडी टू बिकम शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी। और हमने लास्ट कंडीशन क्या देखी थी, कंसीडरेशन कैसे पेमेंट होना चाहिए, कंसीडरेशन पेड इन शेयर्स एक्सेप्ट फ्रैक्शनल शेयर्स। ठीक है, तो ये पांचों कंडीशन अच्छे से समझ में आई। अब यहाँ पर आ जाओ, इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, अगर इन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तब हम उसको क्या मानेंगे, इट इज ट्रीटेड एज परचेस। तो अब मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मर्जर कब होता है और परचेस कब होता है। अब नेक्स्ट है कंसिक्वेंसेस, इनके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर मर्जर होगा तब क्या होगा और अगर परचेस होगा तब क्या होगा। अब इसके कंसिक्वेंसेस ध्यान से देखना। ठीक है, पहला देखो, ऑल रिजर्व्स आर आल्सो एक्वायर्ड विद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्या बोल रहे हैं, वही जो ऊपर वाली बात थी वही बात है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आ गए, सब शेयर होल्डर्स आ गए, तो इसका मतलब रिजर्व्स भी सारे के सारे आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन एट बुक वैल्यू। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमने कैसे लिए थे, बुक पे, बुक वैल्यू पे, तो हम उसको शो भी कैसे करेंगे, बुक वैल्यू पे। थर्ड, लेस और एक्सेस पेमेंट। अब होता है ना, कभी कभी हम कम पेमेंट करते हैं और कभी कभी हम ज़्यादा भी पेमेंट करते हैं, तो अगर हम कम पेमेंट करते हैं या ज़्यादा पेमेंट करते हैं तब क्या होगा। तो हमने यहाँ क्या सीखा था, जो तेरा है वो मेरा। तो अगर हम कम पेमेंट करते हैं इसका मतलब फ़ायदा, तो हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट को बढ़ा देंगे। और अगर हमने ज़्यादा पेमेंट किया, एक्सेस पेमेंट हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा घाटा, तो हम P&L को डेबिट कर देंगे। ठीक है ना, और रियलाइजेशन एक्सपेंस, अगर हमने जो तेरा है वो मेरा, तो अगर जो तेरा है वो मेरा, तो अगर हमने ए लिमिटेड के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं, यानी कि उसका खर्चा हमारा खर्चा, जो तेरा है वो मेरा, तो अगर हमने उसके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं तो उसको भी हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट से कम कर देंगे। ठीक है, डिडक्ट फ्रॉम P&L अकाउंट। अब आते हैं कंसिक्वेंसेस किसके, परचेज मेथड के। ठीक है, अमल कमीशन इन द नेचर ऑफ परचेज। पहला, रिजर्व्स आर नॉट एक्वायर्ड। सिंपल सी बात है, यहाँ पर सारी चीज़ें तो आई नहीं है। ठीक है, शेयर होल्डर्स भी नहीं आए, तो हम रिजर्व्स कैसे लेके आएंगे, तो रिजर्व्स यहाँ पर नहीं आए हैं, ध्यान देना, रिजर्व्स यहाँ पर नहीं आए हैं। अब बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तब क्या होगा, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तब क्या होगा। तो अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे एसेट्स इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक सब उठा लेंगे। ठीक है, देखो, अगर क्वेश्चन ने बताया है
कि आपको ये एसेट्स लेनी है, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग लेनी है, मशीनरी लेनी है, ये एसेट लेनी है। अगर उन्होंने पूरी तरीके से स्पेसिफाई किया है कि ये एसेट्स लेनी है, तो आपको सिर्फ वही वही एसेट्स उठानी है। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, इफ़ नथिंग इज स्पेसिफाई, तब क्या करना है? तो जब कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हो तो हमें क्या करना है, सारी की सारी एसेट इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक सब कुछ उठा लो, ठीक है। लेकिन हाँ, जब आप कैश एंड बैंक उठा रहे हो तो एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना कि उनके अगर रिलेशन एक्सपेंसेस पे नहीं हुए हो तो आप उनके लिए थोड़ा सा पैसा उनके लिए बचाए रखना, ठीक है। जैसे कि हम उनका कैश एंड बैंक उठा रहे हैं 1 लाख का, ठीक है, और उनके रिलेशन एक्सपेंसेस हैं 20,000। तो जब हम उनके सारे के सारे एसेट्स उठा रहे हैं इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, तो जो कैश एंड बैंक बैलेंस में 1 लाख दे रखा था उसमें से 20,000 माइनस करके हम कितना उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 80,000। क्योंकि बेचारों के लिए रिलेशन एक्सपेंसेस पेमेंट करने के लिए कुछ तो छोड़ दो उनके पास, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात हमें क्या ध्यान रखनी है, अगर आप चाहो तो इस बात को पेंसिल से लिख लो, ठीक है, ऐसे बैठे मत रहा करो। यहाँ पर मैं सॉन्ग नहीं सुना रही हूँ जो आप ईयरफोन लगा के मस्त सुन रहे हो। जो भी चीज़ आपको लगता है कि नोट करने वाली बात है, पेंसिल साथ में रखा करो, हल्का नोट कर लिया करो। यहाँ पर लिख दो कि कैश एंड बैंक बैलेंस में क्या करना है, जब कैश एंड बैंक बैलेंस उठा रहे हो तो क्या करना है, साथ के साथ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट कर देना है, यानी कि उन लोगों के पास कुछ पैसे छोड़ देने हैं और बाकी के पैसे उठा लेने हैं। ये कुछ पैसे किस लिए छोड़ने हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। तो पहली हो गई, समझ में आ गई। दूसरी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन एट अग्रीड प्राइस। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ जो तेरा है वो मेरा नहीं है, कुछ नहीं है, तुम अलग हम अलग, ठीक है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर बुक वैल्यू नहीं क्या आएगी, अग्रीड प्राइस। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन एट अग्रीड प्राइस। थर्ड, लेस और एक्सेस पेमेंट हो सकता है, कभी या तो हम कम पेमेंट कर रहे हैं या फिर ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम कम पेमेंट कर रहे हैं तब क्या होगा, तो अच्छी बात है, फ़ायदा है, तो ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, तो हम इसे कहाँ डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। और अगर हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो हम क्यों ज़्यादा पेमेंट कर रहे होंगे, कुछ तो हमारे दिमाग में चल रहा होगा, तो हम उसको इसलिए ज़्यादा पेमेंट कर रहे होंगे क्योंकि हमें कुछ ना कुछ फ्यूचर बेनिफिट होने वाला है ना। हम किसी को ज़्यादा पेमेंट क्यों करते हैं, ताकि कुछ ना कुछ फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, इसलिए हम उसको किस में डालेंगे, गुडविल में, ठीक है। यहाँ पर हमने P&L अकाउंट में क्यों नहीं डाला, यहाँ पर क्या यूज़ किया हमने, गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कंसेप्ट। P&L अकाउंट में क्यों नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पर जो तेरा है वो मेरा नहीं है, यहाँ पर तू अलग मैं अलग, ठीक है। अगर मैं तुझे कम पेमेंट कर रहा हूँ इसका मतलब मेरा कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में डालो, और अगर मैं तुझे ज़्यादा पेमेंट कर रहा हूँ इसका सीधा सा मतलब है कि मुझे फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है, तो मैं इसको कहाँ पर डालेंगे, गुडविल में, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, जो तेरा है वो मेरा, तेरा खर्चा मेरा खर्चा, तेरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मेरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसलिए हमने P&L अकाउंट को डेबिट करा था, और जब फ़ायदा हुआ था तो P&L अकाउंट को डेबिट किया, क्रेडिट किया था, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो एक चीज़ लिख सकते हो कि देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व एंड प्रॉफिट, यहाँ पे कोई भी CR और गुडविल का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तू अलग मैं अलग नहीं है, हम दोनों एक ही है, जो तेरा है वो मेरा। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है स्टैचुरी रिजर्व्स की, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वो कन्फ्यूजन हम आज ही दूर कर देंगे। तो स्टैचुरी रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे होगा, देखो स्टैचुरी रिजर्व भी क्या है, एक रिजर्व होता है, और यहाँ पर तो जो तेरा है वो मेरा, यानी कि हमने उनके सारे के सारे रिजर्व्स एक्वायर कर दिए थे, तो क्या बताओ स्टैचुरी रिजर्व का कुछ अलग से ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। तो नो सेपरेट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ये किस केस में, इन द नेचर ऑफ मर्जर, मर्जर के केस में हमें स्टैचुरी रिजर्व का कोई भी
सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, परचेज के टाइम पर आपको याद होगा रिजर्व्स नहीं उठाते हैं, तो यहाँ पर रिजर्व्स आए नहीं, और अगर रिजर्व्स आए नहीं तो हमें स्टैचुरी रिजर्व का तो ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। स्टैचुरी रिजर्व का हमें सेपरेट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा क्योंकि रिजर्व्स तो आए नहीं। अगर रिजर्व्स नहीं आए तो स्टैचुरी रिजर्व भी नहीं आया, तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, सेपरेट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे उसका सेपरेट ट्रीटमेंट? ट्रांसफरी कंपनी मस्ट शो स्टैचुरी रिजर्व इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रांसफरी कंपनी कौन, जो बिजनेस को परचेज कर रही है उसको स्टैचुरी रिजर्व जरूर दिखाना है। तो वो कैसे दिखाएगी? सबसे पहले तो बात करते हैं स्टैचुरी रिजर्व दिखाना क्यों है। तो देखो, स्टैचुरी रिजर्व को हमें कुछ पीरियड के लिए, एक पीरियड टाइम होता है उसमें हमें दिखाना ही दिखाना होता है, ठीक है, कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो शो होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमें उसे शो करना है, क्योंकि ये किसकी रिक्वायरमेंट है, लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो लॉ को कंप्लाई करने के लिए हमें स्टैचुरी रिजर्व शो करने है। अब हम वो करें कैसे, इसलिए हम उसका एक सेपरेट ट्रीटमेंट करते हैं। हम एक जनरल एंट्री पास करते हैं, वो जनरल एंट्री क्या है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैचुरी रिजर्व। इस जनरल एंट्री को ध्यान से समझना, हमें स्टैचुरी रिजर्व शो करने थे तो हमने क्या किया, स्टैचुरी रिजर्व को क्या दे दिया, क्रेडिट दे दिया। इससे क्या होगा, स्टैचुरी रिजर्व हमारा कहाँ पर शो होगा, रिजर्व इन सरप्लस में। लेकिन ये बताओ, क्या एक्चुअल में हमने उनके रिजर्व उठाए थे? हमने एक्चुअल में उनके रिजर्व नहीं उठाए थे। दिस मीन्स कोई एंट्री हुई नहीं, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं। तो कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं तो हम डेबिट किसे करें? मान लिया कि लॉ ने बोला है कि स्टैचुरी रिजर्व दिखाओ, तो हमने स्टैचुरी रिजर्व को तो क्रेडिट कर दिया। अब वो रिजर्व इन सरप्लस में क्रेडिट दिखेगा, लेकिन कोई ट्रांजेक्शन तो हुई नहीं, तो हम डेबिट किसे करें? इसलिए हमें डेबिट करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो हमने क्या कर दिया, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैचुरी रिजर्व। अब हम क्या करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में स्टैचुरी रिजर्व तो क्रेडिट दिख रहा है, साथ के साथ रिजर्व एंड सरप्लस में ही अमलगमेशन एडजस्टमेंट करके रिजर्व एंड सरप्लस में से अमलगमेशन एडजस्टमेंट वही की वही माइनस कर देंगे, ठीक है, बात खत्म हो गई। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी ये स्टैचुरी रिजर्व होता क्या है, ठीक है। तो वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको स्टैचुरी रिजर्व भी बता देती हूँ क्या होता है। स्टैचुरी रिजर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज स्टैचुरी एंड द अदर वन इज रिजर्व। पहले देखते हैं स्टैचुरी का मतलब क्या होता है। स्टैचुरी का मतलब होता है मींस रिक्वायर्ड बाय स्टैच्यू और लॉ, यानी कि किसकी रिक्वायरमेंट है, लॉ की। और रिजर्व का मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो सिंपल है, 11 से पढ़ते हुए आए हो। अब स्टैचुरी का मतलब देख लिया, रिजर्व का मतलब देख लिया, तो स्टैचुरी रिजर्व का मतलब क्या होता है। स्टैचुरी रिजर्व मीन्स रिजर्व अप्रोप्रिएट फॉर कंप्लायंस ऑफ एनी लॉ। तो समझ में आया आपको, ऐसा रिजर्व जो कि हमें बनाना ही बनाना है, ये मैंडेटरी होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमें लॉ को कंप्लाई करना है, और अगर हमें लॉ को कंप्लाई करना है तो हमें स्टैचुरी रिजर्व शो करना पड़ेगा। इसी वजह से हमें इसके लिए सेपरेट ट्रीटमेंट करना है। लेकिन यहाँ पर तो सेपरेट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने जैसे बाकी सारे रिजर्व उठाए थे वैसे के वैसे स्टैचुरी रिजर्व का भी ट्रीटमेंट हो चुका होगा, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्टैचुरी रिजर्व के, ये आपको मिलेंगे बुक्स में, जैसे कि डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, टी डेवलपमेंट रिजर्व, फॉरन प्रोजेक्ट रिजर्व, फॉरन प्रॉफिट रिजर्व, ठीक है। ये कुछ स्टैचुरी रिजर्व्स हैं जो आपको क्वेश्चंस करते टाइम दिखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि ये कौन है स्टैचुरी रिजर्व। इनका यहाँ पर तो सेपरेट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परचेज के केस में इनका सेपरेट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। और वो कैसे करेंगे, वो भी एंट्री मैंने आपको समझा दी। काफ़ी ज़्यादा आप पेशेंटली सुन रहे हो, वो बहुत अच्छी बात लगी, यानी कि आपको मज़ा आ रहा था।
तो कैसा लगा आज का सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताइएगा। हमने काफ़ी कुछ आज कंप्लीट कर लिया बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इसी तरीके से आपको अमल कमीशन और आसान हो जाएगा, सारे के सारे कंप्लीट रिवीजन पार्ट 3 भी जल्द आएगा। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।